वेलकम बैक टू गाइज माई न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग में कुछ हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए और ये मेरी यात्रा हो रही है ट्रेन में। तो आप क्या करें, वर्चुअली मेरे साथ जुड़ें और व्लॉग को अपना पूरा प्यार दें। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, तो ये आपके ऊपर है। तो जुड़े रहे मेरे व्लॉग के साथ। इस समय मैं हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मेरी ट्रेन जाएगी दिल्ली के लिए और ये ट्रेन होगी शताब्दी एक्सप्रेस। तो इस व्लॉग में मैं आपको शताब्दी के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये वैसे भी मेरी पहली एक ट्रेन यात्रा है, तो मुझे किस तरह का लगा मैं आपको साथ साथ सारा शेयर करूँगा। तो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग के साथ। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन देखने में कुछ ऐसा है, स्टार्टिंग में बहुत ही खुला मैदान है और उसके थोड़ा सा बस आपको जहाँ छोड़ेगी वहाँ से थोड़ा सा चलने पे है और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का एंट्री पॉइंट है। तो हम भी चलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और मैं आपको फिर आगे का बताता हूँ कि आगे आप किस तरह से अपनी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं और आपके पास कौन से आज के टाइम में डॉक्यूमेंट वगैरह है। आई थिंक रेलवे टिकट ही होगी, जो ट्रैवल कर चुके हैं उन्हें पता है, जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का एंट्रिंग पॉइंट और यहाँ से आपकी जब भी आपको किसी भी ट्रेन को बोर्ड करना है तो आप यहाँ से सीधा अंदर जा सकते जाएंगे। ट्रेन है वो शताब्दी है, और जब भी आप चंडीगढ़ से शताब्दी लेने आएंगे और ये शताब्दी चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस है और ये आपको प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ी मिलेगी। तो अब मैं भी चला हूँ प्लेटफॉर्म 3 की और मैं देखता हूँ कि कहाँ है प्लेटफॉर्म नंबर 3। और मैं आपको ये बता दूँ ये एक नॉन स्टॉप ट्रेन है जो आपको लगभग 3.5 घंटे में आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा देगी। ये देखिए सामने इस तरफ को प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और ये लगी है मेरी ट्रेन चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। पहली बार ट्रेन में जा रहा हूँ, थोड़ी सी अलग सी फीलिंग हो रही है कि ट्रेन में मतलब यहाँ तो चल मेरा जो प्लेटफॉर्म मतलब डब्बा नंबर है वो 3 है और मैं यहाँ डब्बा ढूंढ रहा हूँ कि मेरा डब्बा है कहाँ पर। तो ये थोड़ी सी अलग सी एक्साइटमेंट है कि हाँ ट्रेन में यार यात्रा ऐसी की जाती है और बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ट्रेन में आज तक यात्रा नहीं की होगी, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि हाँ आप मतलब आप किसी को पूछ लो यहाँ आके कि आपका वो डब्बा है कहाँ जैसे हो सकता है, तो ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो ऐसा मत हो कि आप किसी गलत डब्बे में चढ़ जाए, बाकी होगा तो कुछ नहीं लोग बता देंगे, पर हो कि किसी से पूछ लो कि ये यहाँ से जाती है। ये वाली बोगी है मेरी C3 और सीट नंबर 73 आई थिंक कुछ ऐसी है। तो ये देखो जो सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल है, छोटी सी मुझे विंडो सीट मिली है। तो अब देखता हूँ कि यात्रा कैसी रहती है पहली बार। तो मैंने इस यात्रा में मैंने एक स्लेज ले ली है, फुल एसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर मेरे वीडियो के साथ जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मेरे बहुत बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। स्पेस भी ठीक है, 6 फुट टाइट होने के बाद भी स्पेस बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं आप सामने बाहर बिल्कुल अपने राइट टाइम पे ट्रेन शुरू हो गई है। इसका टाइम यहाँ से चलने का है 12:15 यहाँ से इसके चलने का टाइम है और ट्रेन अपने एक्सैक्ट टाइम से यहाँ से बिल्कुल डिले नहीं है। ये बात बड़ी अच्छी लगती है ऐसे सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की और लगभग ये दौड़ेगी 100+। मुझे
नहीं पता कि ट्रेन की स्पीड चेक कैसे करते हैं, पर मैंने ये सुना है कि 100 प्लस दौड़ेगी। आप लगा सकते हैं 200 किलोमीटर का सफ़र है, तो मतलब ये 3 घंटे लगे 200 ऑफिस के साथ, तो बहुत ही सुपरफास्ट ट्रेन है। देखो आप, यह है सारा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और बहुत ही रेलवे स्टेशन। रेल की ये आपको पीने के लिए आधे लीटर का रेल नीर की बोतल मिलेगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपको पानी मिल रहा है। यहाँ पर रेल चुक 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 नॉन स्टॉप। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ, ये मेट्रो स्टेशन की तरफ है, और ये थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि जब आप ऐसे शहरों में आए, मेट्रो सिटीज में आए, तो आपको कहाँ से मेट्रो मिलेगी। पर इसके लिए आप लोगों से पूछ लें, इस कन्फ्यूजन होने से दूर अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसी सिटीज़ में देखेंगे तो ऑटो वाले बहुत पूछते हैं, तो प्रेफर करें गूगल मैप लगा लें। अगर आपके जहाँ जाना है वहाँ पर मेट्रो अवेलेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल, अगर आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को यूज़ करें।